नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार कोमल किचन में। आज मैं बनाने जा रहे हूँ सिंपल राइस, आप जीरा राइस भी बोल सकते हो इसको। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा डिश है, बच्चे खूब पसंद करते हैं इसको, दही के साथ भी हम खा सकते हैं। ऐसे में सिंपल राइस बनाने के लिए हमने ये सामग्री ली है, मैंने इतना राइस लिया है, ये हल्दी लिया है, नमक, जीरा और ये ऑयल। अभी हम ऑयल कुकर में डाल देते हैं, कुकर मैंने पहले से रख रखा है गैस पे। इसको गर्म होने देते हैं। अभी देखो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम अभी हम इसमें जीरा डालेंगे। ये हमने चावल को अच्छी तरह साफ कर लिया है, अभी इसमें डाल देंगे हम चावल, इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह साफ कर लेंगे। थोड़ा इसको हम फ्राई होने देते हैं, तब तक अभी हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, थोड़ा इसको पकने देंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। जितना चावल या उतना पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है सिंपल चावल का भी। मसाला पके है, सिटी लगने तक हम पकने देंगे, दो सिटी में ये तैयार हो जाते हैं। चलो हम कुकर बंद कर देंगे, हम गैस को बंद कर देंगे, जो ठंडा होने तक हम इसको बंद रखते हैं। अभी कुकर ठंडा होने तक हम इसका वेट करेंगे, हमारे राइस बन के तैयार हैं। देखो हमारे राइस कितने अच्छे बने हैं, ना ज़्यादा पानी ज़्यादा है, ना कम, जितना अच्छे बने हैं। हम दही के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट अच्छा इसका, दही के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है राइस। देखिए हमारे राइस बन के तैयार हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है, ये हम दही के साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम दही के साथ खा सकते हैं, बच्चे उनको बड़ा खुश होकर खाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।